नहीं तो पाई भी तुझे ऐसे खिलाते हैं, खिला खिला। मम्मी मुझे गधा घोड़ा कुछ मत कहो, लोग मुझे बोलते हैं बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। हम बैठ गए हैं कार में और पाई सो गए हैं। ओए लखनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपने देखा कि लखन को अब बोरियत हो गई है राजमा से भी, राजमा और सांभर से तो हो गई थी, अब राजमा से भी हो गई है। सो टुडे आई एम मेकिंग, क्या नाम है इसका, कोल्हापुरी। पता नहीं सुबह सुबह क्यों मेरे नाम की आवाजें लग रही हैं घर में, मम्मी बुला रही हैं। अब मुझे कुछ याद भी नहीं, मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया, क्योंकि जब भी आवाजें लगती है ना मम्मी और पापा से तो मोस्टली होती है वो सुताई के लिए। हाँ क्यों बुला रही हो? हिंका चार। अच्छा गुड मॉर्निंग मम्मू। सुबह सुबह अचार बना रही हो? ये नीतू का अचार है। नीतू के लिए बना दिया इतना सारा? हाँ। ये कितने दिन में खा जाएगी मम्मी वो? खा तो जाएगी कुछ ही देर में, खा लेगी हफ्ते भर में। हाँ। चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, ये पूरा हफ्ते भर में खत्म कर देगी नीतू। ऐसी खाती रहा तू भाई? हाँ? रूखाई खाती रहा। उसे किसी की जरूरत थोड़ी रोटी वोटी की, उसे तो अचार मिल जाए इनफ। हमारे घर में चल रहा है बिजली का काम और ये कितना डरा हुआ है, देखो बहुत ज्यादा डर गया ये छोटू बेबी। कुछ चलो अंदर, अंदर चलो। तो इतनी गर्मी में जब गाड़ी में बैठता है तो मौत आ जाती है एकदम, इतनी ज़्यादा गर्मी अंदर रहती है उसके। और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि पहले जब भी गाड़ी में बैठो गर्मी में तो पहले उसके सारे विंडोज़ खोल दो या खिड़की भी खोल दो, ताकि उसकी जितनी भी सफोकेशन होती है अंदर वो बाहर निकल जाए। ये अच्छा आइडिया लगा मुझे और मैं यही करता हूँ अब। काम डन, सारे विंडोज़ खोल दी। देखा मैं कितनी मानता हूँ आपकी बातों को। तो ये जितना भी मेस दिख रहा है मैं बता दूँ, यहाँ पर बन रही है कोल्हापुरी, यहाँ पर बन रही है भिंडी, दो सब्जियाँ बनेंगी। कोल्हापुरी मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी बना पाऊंगी, इसलिए भिंडी मुझे आती है, इसलिए मैं भिंडी सेकंड ऑप्शन में रखती हूँ। क्या चल रहा है भाई, किचन का हाल देखो। कोल्हापुरी बन गई रेडी। थैंक यू यार। और पता है मेरी कुक है नहीं घर पर अभी, और मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, फिर मैं अपनी मम्मी के बारे में सोचूं, जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब होती है तब भी वो काम करती है, तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिल रही है। तुझे एक गुड न्यूज दूं, मम्मी ने तेरे लिए हींग का चाय डाला बहुत सारा। अच्छा। पूरा डब्बा जो था मम्मी ने बोला ये पहला नीतू के लिए, बाकी मैं अपने लिए दोबारा बना दूंगी। तो कब जा रही चट करने उसको? और मैंने चैलेंज दिया मम्मी को कि तू एक हफ्ते में खाली कर देगी उसको, देख लियो। हाँ, खाली तो कर दूंगी। तो नॉट टेस्टी अचार हींग का, मैंने हींग का तो खैर मैंने कभी खाया ही नहीं, और मॉम सारे तो दोस्तों आज की ताजा खबर ये है कि अचानक से पापा का कॉल आया और बोल रहे बेटा कहाँ पर है? मैंने कहा पापा घर पर हूँ, मैं कहाँ हूँगा, आवारा तो मैं हूँ नहीं, खुद की तारीफ। हाँ तो फिर पापा ने बोला कि आज हम जा रहे हैं शाकुंभरी माता के दर्शन करने, और हमारा बहुत अटैचमेंट है वहाँ उस जगह के साथ, क्योंकि पहले हम हर साल की शुरुआत करते थे शाकुंभरी माता के आशीर्वाद से, और आज पता नहीं कई साल बाद हम वहाँ जा रहे हैं। मेरे तो बचपन की मेमोरी सारी रिफ्रेश हो रही है, और मुझे वहाँ के कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ मिलते थे पास में एक ढाबे पर। आज नीतू भी जा रही है हमारे साथ, मैं नीतू पापा और मम्मी। तो अभी तो देखो भूख लग रही है और रास्ता भी 5 घंटे का है, पहले यहाँ से फटाफट जाते हैं घर पर कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, वैसे कोविड के बाद से हमें ऑनलाइन शॉपिंग की कितनी आदत पड़ गई है ना, चाहे वो हमारे फ़ोन का रिचार्ज हो, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग पे तो डिपेंडेंट हो गए हैं। आप सोचो आपने पिछले कुछ महीनों में कितनी शॉपिंग की होगी, अपने फ़ोन रिचार्ज से लेके अपने कपड़ों मंगाने से, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं आपको बताऊं कि वो सब करके आपने अपना नुकसान किया है तो है ना अमेजिंग चीज़। पता है कैसे? एक ऐप है लेटी शॉप्स नाम से, और उस लेटी शॉप्स ऐप पे 3000+ स्टोर्स हैं, Amazon, Flipkart, Myntra, ये सारे वहाँ पे मिलेंगे आपको। और वहाँ से जब आप शॉपिंग करते हो ना तो फ़ायदा क्या है कि आपको जो भी डिस्काउंट मिलता है ना ऐप पे वो तो मिलता ही है, एडिशनल कैशबैक भी मिलता है। और इसका जो कैशबैक है ना उसमें कैश रियल होता है। रियल कैसे? आप उस कैश को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, मतलब जैसे वेबसाइट्स देती है ना कैशबैक दे दिया, और वो कैशबैक सिर्फ आप ऑनलाइन शॉपिंग में यूज़ कर सकते हो, इसका वाला कैशबैक आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, सोचा बताऊंगा आपको। और इसका दूसरा फायदा क्या है कि अलग अलग ऐप करने की ज़रूरत नहीं अपने फ़ोन में, मतलब इतना सारा डेटा भर जाता है ना हमारे फ़ोन का, मिंत्रा अलग है, अमेज़ॉन अलग है, मेरे खुद की मतलब ही चलता रहता है तो स्पेस नहीं बचता। एक ऐप करो और बाकी सारी चीज़ें खल्लास, ऊपर से आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो है ना कूल चीज़। इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बाकी की बात मैं आपको वीडियो में बताता ही रहूँगा। तो आगे हम भागा दौड़ी करते हुए घर, पापा हमसे पहले पहुँच चुके हैं, अपने को जल्दी से लंच करना है और फिर निकलना। हम गुची को भी लेकर आए, गुची को यहाँ छोड़ कर जाएंगे। गुच्चू, और गुची बहुत खुश हो जाता है यहाँ, क्योंकि उसको शीरो के साथ खेलने के लिए मिलता है यहाँ पे, उसका बेस्ट फ्रेंड है वो। मैं देखने आया हूँ गुची को कि क्या कर रहा है, और साथ में देखो कौन दिखा मुझे।
महान आत्मा, कुछ खा भी ले, खाली आम ही खाएगी। तूने तो गर्मियों में इसीलिए खुश होती है ना, बस आम की वजह से। ठीक है, और ये बनाई नीतू ने कोल्हापुरी मेरे लिए, मैं टेस्ट करके बता दूंगा। देखने में बहुत अच्छी लग रही है यार नीतू, मुझे देखने में पूरा पूरा टेस्ट आ रहा है वैसे। लाजवाब, सेम ऐसे टेस्ट है यार नीतू, बहुत अच्छी बनाई तूने यार। मैं क्यों झूठ बोलूंगा नीतू, पाई भी तुझे ऐसे खिलाते हैं, खिला खिला भाई। नीतू ने बनाई है सब्जी कोल्हापुरी, तूने सवाल ही ऐसा कर दिया, भाई का मुंह कुछ कह रहा है, अम्मन कुछ कह रहा है। मम्मी मैंने बनाई है, बस एक बाइट ले लो। अब मैं आ गई, मेरी बात सुन ले, सच में मैं साफ ही बोल रही हूँ। अभी देखो मैं आ गई थी, मैं बताती हूँ, ये डेली कुछ ना कुछ बनाती है। अरे मम्मी मेरी सुन, पहले डेली कुछ ना कुछ बनाती है, आज मैंने आ गई और खाती हुई देखनी आज मैंने बनाई है। अरे डेली तू तो बनावे, मेरे लिए क्या लावे बनाना है, बिल्कुल स्पेशल बनाई है। मैंने तो पता क्या क्या रखी है ना मेरे लिए ना, मैं तो दिख गई। मैं तो मैंने तुझसे क्या रखी, नीतू खाती, मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगी, नीतू भिंडी बहुत अच्छी बनाती है, पर नीतू ना आज तक जो मुझे भिंडी खिलाई हो। अरे खाने से मूवमेंट कर रही है आपका, छोटा सा देता है। अरे नीतू मैंने तो खा लिया, ये बहुत मोटा टुकड़ा दे रही है। पाई कैसे बना है? पाई ऊपर ऊपर मन से कह रहे थे। ये लो पाई। टाइट टाइट सा क्या डाला है इसमें? बहुत गरम मसाले पड़ते हैं इसमें भाई। ये बनती है ऐसी है, मुझे पसंद है, वहां मिलती है भाई, महाराष्ट्र में तो मिलती है। क्या पसंद है पता है ना? अरे पाई तो बाबूजी के लिए रात में बना थी, यानी कि बाबूजी के टेस्ट के बना के ले जाते हैं। क्यों मेरी पसंद के ऐसे मैं खाता आ रहा हूं, तो नीतू ने इसलिए ऐसे बनाया। अरे तू रोज खा रहा, 20 बार खा रहा, अभी बाबूजी एक दिन खा रहे। अरे ठीक है, बाबूजी की सबसे अच्छी बहू मैं ऐसी खाता हूं। चलो गाइस मैं व्लॉग बंद करता हूँ, ये दोनों जरा ये देखो, ये देखो कैसे खा रहा है, पागल है बिल्कुल, एक नंबर का। चले चले चले, जय माता दी। चलते चलते 10 मिनट खराब कर दिया। जय माता दी, जय माता दी। अरे बड़ी खुश हो मम्मी? मैं लोगों को बता रहा था हमारा हर साल शुरू होता था ना। टेंशन मत लो, बम्मू है बम्मू, अब तू फटाफट दाबू दाब चल, क्योंकि भाई बज गए। कैसे लोग हैं यार ये, इन्होंने सबसे टैलेंटेड इंसान को सबसे पीछे बिठा दिया, क्योंकि मैं इनको दुखी करता आगे बैठ के। इन्होंने कहा तू डिग्गी में बैठ, और तीनों बैठे आगे। मेरे में डांट पड़ रही है अभी, वो इसलिए क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था मुझे चिप्स खिलाते हैं यहाँ कहीं साइड में रोक के, तो ये चने पकड़ा दिए घोड़े की तरह मुझे, मैं ये खाऊंगा क्या? तमगा मम्मी मुझे गधा घोड़ा कुछ मत कहो, लोग मुझे बोलते हैं बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। मैं चिल्लू बैठा हुआ हूँ इनसे कि इनका हाथ यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, इसलिए मैं इतना ज्यादा बकवास कर रहा हूँ। लैटी शॉप्स को यूज करना एकदम सिंपल है, आप सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन कीजिए, और जैसे आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको सारी टॉप वेबसाइट्स दिख जाएंगी, जैसे कि अजियो, मिंत्रा, स्विगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जहाँ से भी शॉपिंग करना है आप वहाँ पे टैप कीजिए, और उसके बाद ब्लू बटन को प्रेस कीजिए, आपको डायरेक्टली उसी वेबसाइट पे ये ऐप ले जाएगा, और आप अपनी शॉपिंग नॉर्मली कर सकते हैं। और एक खास बात कि जब भी आप इस पर शॉपिंग करेंगे उसके बाद कैशबैक सीधा आपके लैटी शॉप्स अकाउंट में आ जाएगा, और कैशबैक आने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। जब तक कैशबैक आ नहीं जाता तब तक स्टेटस उसका पेंडिंग दिखाएगा, और जैसे ही कैशबैक आ जाएगा आप उसको अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। कैशबैक आपको सीओडी ऑर्डर्स पे भी यहाँ पर मिलता है, जो कहीं और नहीं मिलता, बेशर्ते आप बस उस ऑर्डर को कैंसिल, एक्सचेंज या फिर रिटर्न ना करें, वरना आपका कैशबैक भी कैंसिल हो जाएगा। हमेशा ऑर्डर प्लेस तभी करें जब आपको लैटी शॉप से रिडायरेक्ट किया जाए वेबसाइट पे, ताकि आपका कैशबैक हमेशा ट्रैक होता रहे वहाँ पे, आप मिस आउट ना करो वहाँ पे। तो जल्दी से जाइए, इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैं तो मस्त सोता हुआ जा रहा हूँ यहाँ पर, मम्मी पापा पुराने पुराने जमाने के गाने सुन रहे हैं, नीतू आगे सो रही है, गाने सुनने भी है, खूब तो सुन रही है यार जब से आप बता दिया। क्या बता दिया मैंने? हाँ बता दिया मैंने, लेकिन ब्लॉग तो कल आएगा ना। वैसे पीछे बैठ के मेरा तो फुल टू मजा है, क्योंकि ये पूरी सीट मैंने बेंच बना के इस पर सोता हुआ जा रहा हूँ। अभी कितना टाइम है भाई पहुँचने में? आधा पौना घंटा और है अभी, मतलब 4 घंटे हो गए शायद अपने को निकले हुए। लिया तो अभी जहाँ पर हम रुके थे वो था कौन से भाई, क्या नाम है?
भूरा देव बाबा जी का मंदिर। हाँ। शाकुंभरी माता आने से पहले वहाँ पे जाना जरूरी होता है, पहले हमने वहाँ के दर्शन किए, हम जा रहे हैं शाकुंभरी माता के पास। और जहाँ भी हम चल रहे हैं ये जगह नदी है, 15 दिन बाद यहाँ पूरा पानी भर जाएगा, फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे। अच्छा भाई बताओ आप सारी बताते हैं, ये नदी है जिसमें हम चल रहे हैं, दिखा दो यहाँ पर थोड़ी देर में पानी भर जाता है। अच्छा दिखा दे कितना अच्छी अच्छी बहुत सुंदर। तो यहाँ हम उतरे हैं, अब मेन मंदिर में आ गए ना भाई, अब मेन मंदिर में आ गए हम। हाँ अब मेन मंदिर से आ गए, मुझे माता मंदिर के द्वार पे, प्रवेश द्वार पे फाइनली पहुंच गए हम माता शाकुंभरी जी के मंदिर में। और कितनी सुंदर जगह है देखो, और ये जो जगह है ना ये पूरा इसमें पानी आ जाता है। और मुझे याद है हम बचपन में आके ना वहाँ रहा करते थे, ये सामने धर्मशाला है और यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, रजाई गद्दे भी सब घर से लेके आने पड़ते थे। और 31 दिसंबर को हम आते थे, हम साल की शुरुआत यहीं करते थे माता के दर्शन के साथ, तो इतनी ठंड होती थी उस टाइम, तो आप इमेजिन कर ही सकते हो पहाड़ों का इलाका वैसे ही है। चले हमारे दर्शन हो चुके हैं और बहुत सुकून वाले दर्शन होते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, हम बहुत अच्छे टाइम पर यहाँ पर आए। और भूख आपको पता है मुझे कितनी लगी, तो दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं कुछ खाने। सबसे ज़्यादा भक्ति में तुम ही दोनों झूम रहे हो, इसने तो यहाँ भी लगा रखा था और इधर भी लगा रखा था मिहोट के ऊपर भी, इतना आशीर्वाद देवी मैया का। हम आप क्यों रुके हैं यहाँ पर, क्या करने के लिए? नहीं आप दोनों में से कोई नहीं बताएगा, पाई बताएंगे। पाई हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? एक्चुअली यहाँ पर पाई क्या, पाई के साथ क्या हो गया, पाई का पेट गड़बड़ हो नहीं हुआ? कड़ी चावल यहाँ के फेमस है। अच्छा प्रसाद है, मतलब प्रसाद का ना, यहाँ आ गई कड़ी चावल। नहीं नहीं भैया बस इतना ही। पाई चाय पीनी है मॉम, चाय क्या हुआ? इन लोगों ने गर्मी में इतनी चाय पी है, तीनों की तीनों ने इतनी गर्मी में। अच्छा तो यहाँ पर होते हैं हमारे दर्शन और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, जैसा होना चाहिए था, जैसे मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी अच्छे हुए, बहुत मजा आया। पाई अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे। वो दोनों ना अभी पता है वहाँ पर पीछे क्या बोलते हैं कि पाई का मूड खराब हो रहा है, वो देखो क्यों मूड बोल रहे हैं, क्यों मेरा मूड खराब हो रहा है पता नहीं। अरे तुम लोग पागल हो, मेरा मूड दर्शनों में बता, मुझे खुशी हो रही है, मूड पाई तो लेकर आए हम सबको यहाँ। अरे क्या है यार, अरे कम भड़का कम, समझ आई पाई का पेट खराब हो गया, पाई का मेरा चिड़चिड़े हो रहे हैं ये बोल रही है। अरे मॉम इनको पूड़ियाँ डाल दो। अब ये देखो मॉम और पाई दे रहे हैं पूड़ियाँ, किसी के बच्चा भी है ना वो, मॉम पीछे वाले को दो, हाँ इस वाले को, उसका बच्चा भी है। भाई कैसे क्या कर रहे थे नीतू नहीं करा ऐसा दबा दो एक्स्ट्रा में पास से देखा हमें हमें ज्ञान देने वाले लखन भाई तो हंसे जा रही है यक्कू है यक्कू रखा है ले ले यक्कू ले ले सबका यही हाल है बस मॉम को छोड़ के मॉम का बिल्कुल अभी हम उतरे वॉशरूम जाने के लिए, और पता है क्या हुआ भाई को सच में वॉशरूम जाना था, मुझे लगा सब मजाक कर रहे हैं मगर ऐसा था नहीं, है ना लक्ष्मी? अब हो गया यकीन? अब हो गया मुझे यकीन। आप मुझे चटोरा बोलते हो, बताओ नीतू से ज्यादा चटोरा है कोई घर में? अभी भी तू देखा यहाँ पे पाई की टांग खींची जा रही है मॉम और लखन के द्वारा। पाई का मनता आज सॉफ्ट पच्चीस रूपए वो पाई को अच्छी लगी, वो खा ली और बहुत खुश। पाई क्या बोलना चाहोगे आप, क्या आइसक्रीम जाते हुए वो नेचुरल वाली आइसक्रीम खाओगे? ये नहीं है किस दुकान से कितने की खरीदे, बात ये टेस्टी कौन सी चीज है, ये जरूरी नहीं है 500 रुपए की चीज टेस्टी हो, टेस्टी को 20 रुपए की भी हो सकती है, कोई बात नहीं क्योंकि 25 वाली ही टेस्टी नहीं। भाई और क्या बोलना चाहोगे, जाते हुए खाओगे नेचुरल की? भाई को छेड़ मत, नीतू तूने खाना मंगा लिया 1 घंटे से आया नहीं है, अब भाई को धीरे धीरे गुस्सा ना शुरू होगा, भाई की थोड़ी थोड़ी चोटी उठ रही है।
कैसे उठा लगी इतने बना दे। हम लोग बोलते हैं, भाई बोलते हैं गुस्से आने को चोटी खड़ी हो जाने देते। कैसे कैसे अभी यहां पे भी है जैसे जैसे हो गया तू देख रहा ठंडा है चोटी खड़ी ना होने वाली होगी तो करवा देगा ये। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा जबरदस्ती दिलाना चाह रहा है। गुस्सा गुस्सा करना बहुत देर से तो आ ही जाएगा। आ ही जाता है जी भाई। आज गुस्सा नीतू पे निकाल लो एक बार। आ गया फाइनली खाना और नीतू ने बिना टेस्ट करे ही बता दिया कि बहुत टेस्टी है। मम्मी कैसा लगा आपको? हैं नहीं से कैसे बता सकती हूं? अच्छा खाया नहीं अभी? खाओ खाओ खाओ। चलो यार अब इनको मैं डिनर कराता हूँ अपनी फैमिली को। चलो भाई करो बच्चा पार्टी। अब बताओ कैसा लगा? सही में अंदर तक गया नहीं है पूरा, होटो पे ही था। पूरा खा, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, पूरा खा भाई। हम बैठ गए हैं कार में और भाई सो गए हैं। सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, मैं मसाज कर रहा हूं, बहुत देर से सोई तो नहीं रहे। हां मां गए, कितना खुश है, कितना खुश है। बाबू सो रहा था। सो गया था। चलो अब मुझे ड्रॉप करो जल्दी, मुझे और गुची को। चलो तो फ्रेंड्स लेटी शॉप्स ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एक बार यूज जरूर करना, वो 100% फ्री है और साथ ही आपको पता चलेगा आप कितनी सारी बजट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो करना यार। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।